हम बात करते हैं हीडर एंड फूटर्स के बारे में। जब हम प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रिंट में कुछ चीज़ें जो है हर पेज पे वो हीडर में माने कि ऊपर में या टॉप में ऑटोमेटिक आए, हीडर एंड फूटर। तो जो प्रिंट टाइटल आपने किया था उसी में आपको यहाँ पे हीडर एंड फूटर है जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम हीडर पे हमने क्लिक किया और आपको पेज के लेफ्ट साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए या साइड में चाहिए। तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट, यहाँ पे सेंटर में चाहिए सेल्स रिपोर्ट और यहाँ राइट सेक्शन में चाहिए डेट। तो देखिए कैलेंडर का दिख रहा है, हमने डेट डाल दिया कि इस तारीख को ये हमारा रिपोर्ट बना है। और बाकी चीज़ें पिक्चर्स को यहाँ पे कुछ पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक पिक्चर्स लेते हैं, छोटा सा पिक्चर लेंगे, जैसे ये लोगो है इसको ले लिया और इसको ओके कर दिया, देन ओके। अब जैसे हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं तो आप देखिए पिक्चर्स आ रहा है, लेकिन क्या है कि पिक्चर्स को ओवरराइड कर रहा है हमारा डेटा, कर रहा है ना सर। तो यहाँ कस्टम मार्जिन में आना होगा और मार्जिन को टॉप से बढ़ाना होगा। ज्यादा हो गया, दो पे रखता हूं, नहीं तीन, दो नहीं तीन होना चाहिए था, 2.9 आपको 3.9 कर देते हैं, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे आपका पिक्चर्स आ रहा है और यहाँ पे आपका डेट आ रहा है और ये हर पेज में आएगा, इसी में नहीं हर पेज में आएगा, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है इसमें वापस आता हूँ प्रिंट टाइटल में, अब फुटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कस्टम फुटर, कस्टम फुटर में मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर आया, तो यहाँ से आप जो है पेज नंबर दे दिए, लेकिन आपको ये दिखाना है ना, होता ना कि भाई 1 of 10 मैं टोटल 10 पेज है और ये पहला पार्ट है, तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे पेज नंबर कर दीजिए, वन पेज हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्मेट टेक्स्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ से लिख सकते हैं, फोल्डर का पाथ, फाइल का नेम, सीट नेम, पिक्चर्स, आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। हीडर एंड फुटर दोनों में सेम वर्क करता है, तो हर पेज में आपका ये नंबर्स आ जाता है। तो हीडर फुटर हम इस तरह से अप्लाई करते हैं।